हेलो दोस्तों, जानो और सीखो के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग में या पूरे स्टॉक मार्केट में ही अपने रिस्क को, जो मिनिमम रिस्क को हमें मैनेज करना चाहिए, हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट की बात मैं बता रहा हूँ वो हर आदमी को पता होनी चाहिए। और हर लोग अगर उसे जानेंगे तो अपने पैसे को इफ़ेक्टिव तरह से मैनेज कर पाएंगे, और जो नहीं जानेगा वो एंड में हमेशा पैसा खोता ही है, ये बात आप जान लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसके अंदर अगर मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ उस पर आप अपना पूरा रिसर्च करके उसको सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि हम कई वीडियोज़ आपके लिए लाने वाले हैं, कई इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो आप कभी भी ट्रेड में घुसते हैं या इन्वेस्टिंग में घुसते हैं, स्टॉक मार्केट में घुसते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ट्रेड लेते हैं आप, कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी पैसा डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका जो रिटर्न आने वाला होता है, यानी उसका जो रिवार्ड आपको मिलने वाला होता है, जो आपको उसका पैसा आने वाला होता है, वो कभी सर्टेन नहीं होता है। वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितना कमा लोगे या क्या कर लोगे, आप बस एज्यूम कर सकते हैं कि होप कि इतना मिल जाए। लेकिन आप यहाँ पे कंट्रोल क्या कर सकते हैं, आप कितना गंवा सकते हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही एक सिंपल सी बात है जो कई लोगों को नहीं समझ में आती है, जिसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवार्ड जो होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है, लेकिन जो रिस्क होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैंने शेयर मार्केट में पूरा पैसा गंवा दिया, इसका मतलब जब आपके कंट्रोल में था आप कितना पैसा गंवा सकते हैं, रिस्क आपके कंट्रोल में थी तो आपने क्यों गंवाई, उसकी गलती है। दोस्तों, यहाँ पर हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन यहीं पर हमें समझना है कि इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे एक फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो सेटअप किया जाए। जैसा कि दोस्तों आप कभी भी देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप सपोज़ आपका जॉब है, आपको कुछ काम करना है, उसके लिए आप एक प्लान बनाते हैं, आपके घर पे शादी है, आप एक प्लान बनाते हैं, आपको कहीं जाना है, कोई भी इवेंट है, उसके लिए एक प्लान बनता है। बिना प्लान के कोई भी चीज़ सक्सेस होना में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो आप स्क्रीन खोलेंगे, देखेंगे भाई ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ख़रीद लो आज के लिए, उसके बाद से गिरेगा, लॉस होगा, यहाँ पे आप प्लान मिस कर देते हैं। तो जैसे किसी भी जंग में, किसी भी युद्ध में बिना प्लान के नहीं कूदा जाता है, तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी एक तरह का युद्ध है, एक तरह का वार है, इसमें भी बिना प्लान के आपको नहीं जाना है। और ये 95% जो ट्रेडर्स होते हैं ये चीज़ को गलत करते हैं। दोस्तों, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, मैं स्ट्रेस करता हूँ, इससे आपको इमीडिएट पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके जो पैसे बचेंगे आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, मतलब कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना टफ नहीं है, स्टॉक मार्केट में टफ है कि पहले एक दो साल में सर्वाइव करना। आप अगर सर्वाइव करना सीख लिए स्टॉक मार्केट में तो आप पैसा ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर हम अपने मनी को कैसे मैनेज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको मार्केट में पैसा डालना कितना है। लेट्स से कि आपका टोटल आपके पास जो पैसे हैं सब चीज़ मिला के आपका नेट वर्थ है 10 लाख रुपए आपके पास हैं, तो आपका जो भी एज है उसके हिसाब से आप मार्केट्स में कितना पैसा डालेंगे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपकी एज होगी उतना आपका कम पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि एंड में मार्केट में जो है वो रिस्क आता है थोड़ा। तो अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं कि कितना आपका पैसा स्टॉक में जा रहा है, तो उसके लिए आप अपना एज के हिसाब से एक डिसीजन लीजिए। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि जैसे कि अगर आपकी एज 50 इयर्स है और आपके पास 10 लाख रुपए है, तो दोस्तों आपने अपने 50 साल में 10 लाख कमाया है, इसको गंवाने के लिए इतना जल्दी ना रखिए। आप अपने एज के हिसाब से केवल इसको 7 लाख को सेव कीजिए, 70% जो मेजर आपका कैपिटल है, क्योंकि आपके पास आगे आने और लाइफ में बहुत कम टाइम बचा है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जो 30 साल का है उसको 30 साल 40 साल और जीना है, लेकिन आपको मे बी 30 साल 20 साल जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ है उसके उतना ही जीना है। तो आपने जो कमाया है उसको ऑलरेडी नहीं गंवाना चाहिए, उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आपकी एज अगर 50 साल है तो आप 7 लाख को बैंक में डालिए या कोई भी नॉन रिस्की चीज़ में डालिए और 3 लाख को मार्केट में डालिए। लेकिन आप अगर यंगर हैं, आप 30 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, तो आप 50-50 का रेशियो ले सकते हैं। इनफैक्ट आप 60% मार्केट में भी डाल सकते हैं और
40% अपने पास कैश में भी या किसी FD में, इस तरह की चीज़ों में, रिस्क फ्री चीज़ों में रख सकते हैं। अभी जो पैसा मार्केट में डालते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस पैसे को भी पूरा हम ट्रेडिंग में डाल दें, किसी में डाल दें। यहाँ पे भी आपको रिस्क मैनेज करना है। तो पहले स्टेप आपने किया कि आपके जो टोटल कैपिटल है उसमें आपने कितना रिस्क लिया अपने एज के हिसाब से। तो आपने 50% 60% जो भी अपना डालना था मार्केट में वो डिसाइड कर दिया। अब मार्केट में भी कई चीज़ें हैं, मार्केट में ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, उसको यहाँ पे फिर आप सेम फंडा लगा के अपनी एज के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। एक जैसे कि सपोज़ आपका एज 50 साल है, तो इसमें इस केस में अगर आप 30%, जैसे आपका 10 लाख था, आप 10 लाख में से अगर आपकी एज 50 है तो आपने 3 लाख को मार्केट में डालने का डिसाइड किया, 7 लाख को बैंक में रखा। अब उस 3 लाख को में से भी जो 70% होता है मनी, उसको आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे या लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में डालेंगे कि आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उस पैसे को नहीं टच करेंगे और अच्छे स्टॉक को बस उसका रिजल्ट मॉनिटर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उस इसका रिजल्ट मॉनिटर करेंगे। और बाकी जो 30% एक छोटा अमाउंट है उसको ट्रेडिंग करेंगे और वही आपका ट्रेडिंग कैपिटल होगा। अगर आप 30 साल के हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने 10 लाख में से 5 लाख बैंक में डाला और 5 लाख को मार्केट में डाला। अब उस 5 लाख में से 50% को आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में भी कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं, और बाकी 50% मतलब 2.5 लाख से भी आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया, इस तरह से आप इफेक्टिव मनी मैनेज कर सकते हैं। आपको पहले ये क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कितना डिसाइड करते हैं और आपका रिस्क इस हिसाब से मैनेज कीजिए कि देखिए जो दोस्तों जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है उतना ही पैसा कमाना टफ हो जाता है। अगर आपने उस टाइम तक जो पैसा कमाया उसको गवा दें तो वो बहुत मुश्किल बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि कोई भी पैसे जिसकी आपको ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में या 1 साल में, तो आप उस हिसाब से उसको मार्केट में डालिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में आपको 2 महीने 3 महीने में कोई पैसा चाहिए या 1 साल के अंदर भी चाहिए और उसको आपने मार्केट में डाल दिया, तो यहाँ पर आपने रिस्क ले लिया। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आप क्योंकि अगर आपने वो पैसा डाल दिया जो आपको ज़रूरत है उसको आपको मार्केट में डाल दिया, तो आपका मार्केट में जो डिसीजन लेंगे आप कब उसको प्रॉफिट को बुक करेंगे, कब लॉस को बुक करेंगे, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप उस पैसे को निकालना कब चाहते हैं। अगर आपको चाहिए होगा पैसा और आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है तो भी आप उसको बेच के लॉस बुक कर लेंगे। तो उस मनी को आप मत डालिए जिसको आपको इमीडिएट नीड में चाहिए, वो आपकी जो बाकी बची मनी है उसमें से यूज़ कीजिए। इसमें वही पैसे डालिए जो आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म में और थोड़े दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं चाहिए, जो आपके आपका जो ट्रेडिंग व्यू है या इन्वेस्टमेंट व्यू है उतने टाइम के लिए आपको उन पैसों की नहीं ज़रूरत है। और दोस्तों याद रखिए कभी भी किसी से लोन लेके आप इसमें मत लगाइए। अगर आप लोन लेते हैं वो लॉस में गया, आप एक गलत डिसीजन लेंगे, उसको बेच के निकल लेंगे, फिर वो स्टॉक ऊपर चला जा सकता है या हो सकता है कुछ और हो जाए। तो कभी भी लोन अमाउंट और जो पैसे की आपको ज़रूरत है वो अगर आप लगाएंगे तो हमेशा आप ट्रेडिंग डिसीजन गलत लेंगे या इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी गलत लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि अब इंट्राडे पे बात करते हैं। सिंस ये सीरीज़ इंट्राडे की है तो एक जनरल मनी मैनेजमेंट हो गया जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब पे एप्लीकेबल है इंट्राडे पे। अब इंट्राडे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए होता क्या है, ये 95% जो हम में से ट्रेडर्स होते हैं हम लोग के साथ ऐसा ही होता है कि सबसे पहले तो कि हम जो भी प्रॉफिट है, बहुत ही माइनर प्रॉफिट भी है, अगर हमने किसी चीज़ को 100 रुपये ख़रीदा, 101 रुपये भी ख़रीदा, तो हम उसको बुक करने के लिए रेडी हैं कि भाई कुछ मिल ही रहा है, कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, वो 100 का 99 हो गया, तो हम उसको बेचने के लिए नहीं रेडी होते हैं। हम उसको वेट करते हैं, वो 98 हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे नहीं भाई अभी रिवर्स करेगा। 97 हो जाएगा, हम सोचेंगे अभी रिवर्स करेगा। फिर 90 हो जाएगा गिरते गिरते, फिर भी हम सोचेंगे अब इतना गिर गया, अब क्या गिरेगा, अब थोड़ा और रिवर्स हो जाए तभी बेचेंगे। और वो गिरते गिरते 70 पहुँच जाता है, 60 पहुँच जाता है, जहाँ पर आप एक डेस्परेट होकर उसको सेल करते हैं और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आप सोचते हैं कि अब बस हो गया, मैं निकलना हूँ, मैं मार्केट में हमेशा लॉस बनाऊंगा। तो देखिए दोस्तों पैसे को, लॉस को आप होल्ड करते हैं लेकिन आप प्रॉफिट छोटा ही होता है उसको बुक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। और दोस्तों आप बाई सेल करते हैं विम्स और र्यूमर्स में। आपने सुना कि भाई ये हो रहा है, न्यूज़ फ्लैश किया कि इसको ये ऑर्डर मिल गया, सेट से ख़रीद लिया जाके, देखिए वो स्पाइक के बाद तुरंत गिरने लगा वो। तो एक दिन दोस्तों एक गड़बड़ होती है कि कभी रूमर पे आप ना ख़रीदा कीजिए, आप चार्ट्स पे ख़रीदेंगे, आप टेक्निकल एनालिसिस पे अपने ख़रीदेंगे। एक और गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं और हमेशा इसमें पैसे गंवाते हैं कि वो अपने एवरेज करते हैं पोजिशन को, यहाँ पे वो रिस्क नहीं मैनेज करते हैं अपना प्रॉपरली।
लूजिंग पोजीशंस को एवरेज करना एक लूज़र की निशानी होती है, लूज़र्स एवरेज लूज़र्स कहा जाता है। मतलब कि अगर आपने कोई स्टॉक ख़रीदा 100 रुपये पे, अब वो स्टॉक 98 पे पहुंच गया तो आपने 100 और ख़रीद लिया तो आपके पास 200 स्टॉक हो गया 98 पे। आपने ये तो सोच लिया कि भाई अगर वो 101 पे गया तो मेरा एवरेज प्राइस 99 हो गया है तो मुझे प्रॉफिट डबल होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा अगर वो 96 पे जाएगा तो आपका लॉस भी डबल हो जाएगा जितना आपने पहले इमेजिन किया था। तो ये एक बहुत ही गड़बड़ स्ट्रैटेजी होती है, कभी भी अपने लूजिंग पोजीशन को एवरेज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अक्सर होता है कि हम कभी भी एक दिन में सपोज़ हम कोई लॉस बना लेते हैं तो फिर हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं डबल रिस्क के साथ। अभी हम 1,000 रुपये के लॉस हो गए, हम सोचें लो हम डबल इस बार ट्रेड करेंगे और उसको पूरे को निकालेंगे। ये बहुत गलत मेंटालिटी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इस ट्रेड के बाद भी हम एंड में और ज़्यादा लॉस करके निकलते हैं। और दोस्तों अगर ऐसे ही हम किसी दिन प्रॉफिट भी बना लेते हैं तो हम ओवर ट्रेड करने जाते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं भाई आज तो मेरा दिन है, आज 10,000 कमा लिया, आज 20,000 कमाऊँगा, तो इवेंचुअली और ट्रेड लेते हैं, अपना रिस्क को पूरा मैनेज करते हैं और अपने उस प्रॉफिट को भी एंड में वो लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो होता है दोस्तों, हम सबके साथ होता है, आप कोई अलग नहीं है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, सबके साथ हुआ है। लेकिन इससे हम सीखते क्या है, इसके ऊपर हम कैसे निकलते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम आगे जानेंगे, इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एक कंसेप्ट जो हम समझेंगे वो होता है रिस्क टू रिवार्ड का कंसेप्ट। रिस्क टू रिवार्ड का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है रिस्क टू रिवार्ड का, यानी आप अंधे में तीर खेल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप रिस्क कितना ले रहे हैं और रिस्क आपको रिवार्ड कितना मिलना है, और आपका वो जो रिस्क आप जिस रिवार्ड के ले रही हैं क्या वो मतलब फेवरेबल है, क्या वो वर्थ इट है, मतलब क्या उतना रिस्क लेना बनता है। तो रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होता है आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट का, और आपका जितना रिस्क उस इन्वेस्टमेंट के लिए होता है उसका रेशियो होता है। मतलब कि आप अगर 10 रुपये के प्रॉफिट के लिए 4 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड होगा 10 रुपये का रिस्क है और 4 रुपये 10 रुपये का रिवार्ड है और 4 रुपये का रिस्क है, तो 10/4 हो गया। तो ऐसे ही अगर 100 रुपये पे आप शेयर खरीद रहे हैं और 90 रुपीज़ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट को 105 रुपीज़ लगाया, तो इसमें आपका जो रिस्क है वो 10 रुपये का और रिवॉर्ड है 5 रुपये का, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो हो गया 2:1। ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है दोस्तों। आप सोचिए आप इसमें स्टॉप लॉस तो लगा दिए 10 रुपये का, आपने प्रॉफिट लगाया 5 रुपये का, यानी आपको एक लूज करने के लिए कितना चाहिए, आपको बस एक ट्रेड चाहिए, आपने एक ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को हिट किया तो आपको लॉस हो गया, फिर अगले ट्रेड में आपको और ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हमेशा आप 1:2 रिस्क रिवार्ड का या 1:3 रिस्क रिवार्ड का रेशियो का स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। मतलब अगर आप किसी शेयर को 100 रुपये पे खरीद रहे हैं तो ऐसा शेयर खरीदिए और इतनी क्वांटिटी खरीदिए कि आप केवल 4 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। आप 96 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उस ट्रेड में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो 108 पे हिट करे। मतलब कि आपने 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, रिस्क लिया और 8 रुपये का रिवार्ड है। ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में आपको जाना है कि आप में रिस्क टू रिवार्ड एटलीस्ट 1:2 तो होना चाहिए अगर आप शुरुआत करें ट्रेडिंग का। इससे लोग हाई भी रखते हैं, लोग 1:5 का रखते हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवार्ड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2:1 से खेल लें कि आप 10 का स्टॉप लॉस लगा दिए और 5 रुपये का रिस्क के लिए आप बैठे हैं। ये गलत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए अगर आप 1:2 के रिस्क रिवार्ड से खेल रहे हैं और आपका पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो आपने 100 रुपये लगा और 108 आ गया, आपके पास 8,000 एक्स्ट्रा आ गया, आप इससे नेक्स्ट 2 ट्रेड पे आप 4,000 का रिस्क ले सकते हैं 1:2 का। तो ये देखिए आपको बस एक ट्रेड चाहिए 2 ट्रेड में से एक प्रॉफिटेबल पोजीशन बनाने के लिए। अगर आपको ये कोई भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं और ये रेशियो आपको सूट नहीं कर रहा है उस स्टॉक में, आपको लग रहा है कि भाई ये जो स्टॉप लॉस है बहुत कम हो गया, डबल हो गया, तो आप भूल जाइए उस ट्रेड को, आप नए ट्रेड को इनिशिएट कीजिए जहां आपको कंफर्ट रखे अपने रिस्क टू रिवार्ड में। ये जो स्मॉल लॉस लेके ट्रेड में स्टे करते रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में ही 50,000 गवा के अपने 1,00,000 में से 50,000 गवा के एग्जिट कर जाएं वो बेकार है। मार्केट में जो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आप स्टे करें मार्केट में, सर्वाइव करें मार्केट में। अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर लिए दोस्तों तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि आप पैसे बनाएंगे मार्केट से, कभी लॉस नहीं बनाएंगे। लेकिन सर्वाइव करने के लिए जो रिस्क मैनेज करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमेशा अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड कीजिए। जैसे आपका एम होना चाहिए कि भाई मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, मेरा ये टारगेट है और मेरा ये स्टॉप लॉस, अगर वो नहीं रियलिस्टिक हुआ तो आप
एक तरह से सट्टेबाजी कर रहे हैं, आप गैम्बल कर रहे हैं कि आप बस लगा दो, 1 रुपये बढ़ा तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर वो लॉस में गया तो हम 10 रुपये तक होल्ड करते रहेंगे कि इस सोच में कि वो बढ़ेगा और हमारा नुकसान होता रहेगा। तो आप 100 रुपये पर कोई ट्रेड ले रहे हैं, आप अपना डिसाइड कीजिए क्या है आपका टारगेट, 104 रुपये, 108 रुपये, उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए, अपना रिस्क टू रिवार्ड देखिए, और फिर आप उस ट्रेड को उसी टाइम पे स्टॉप लॉस भी लगाइए और टारगेट भी लगाइए और वो ट्रेड भी एक्सक्यूट कीजिए। सारे ब्रोकर से ऑप्शन देते हैं, ज़ीरोधा में ब्रैकेट ऑर्डर कहते हैं, कवर ऑर्डर कहते हैं, ऐसे करके सारे होते हैं। तो हमेशा ये आप डिसाइड कीजिए, अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल सही तरह से मैनेज कीजिए। स्टॉप लॉस जो होता है वो आपके रिस्क मैनेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्राडे ट्रेड में। स्टॉप लॉस जो है आप डिसाइड कीजिए वॉलेटिलिटी पे, आप क्या ऐसा स्टॉक चुने कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो आपको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए वो स्टॉक, ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके स्टॉप लॉस के रेंज के अंदर में है। जैसे आपने 0.3% का स्टॉप लॉस लगाया, आपने एक लाख रुपए लगाया, 3% का सॉरी स्टॉप लॉस है, तो 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है, आप कहेंगे कि मैं 3% मतलब 3000 का मैक्स लॉस लूँगा। तो आप उस वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। आप ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो 1 सेकंड में 10 रुपये ऊपर जाता है, 10 रुपये नीचे जाता है, या इलिक्विड स्टॉक है, बायर और सेलर बहुत कम है, बिड आस्क स्प्रेड उसका बहुत ज़्यादा है कि मतलब बायर 100 रुपये पर खड़ा है और सेलर 105 रुपये पर खड़ा है, तो यहाँ पर हमेशा आपको लॉस होगा। ऐसे ट्रेड्स में मत एंटर कीजिए, वॉलेटाइल ट्रेड्स में ज़्यादा ना एंटर कीजिए। लिक्विड स्टॉक्स में आप जाइए, लिक्विड स्टॉक्स में जाइए, बिड आस्क स्प्रेड उसका कम हो वहाँ पर जाइए और वॉलेटिलिटी वहाँ पर कम रहेगी। और ये फिक्स स्टॉप लॉस ना कीजिए आप, जैसे 100 रुपये पर आप ये ना डिसाइड कर लीजिए कि हम हमेशा 96 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो रैदर एक परसेंटेज होता है। अगर आप 200 का कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो एक परसेंटेज होना चाहिए रैदर देन कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। और ये डिसाइड होगा इन सब फैक्टर्स पे कि वॉलेटिलिटी क्या है उस स्टॉक में और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है और आप कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अपने आप को देना चाहते हैं। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे हमेशा गड़बड़ी होती है कि हम अपने प्रॉफिटेबल पोजीशन को कभी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिन बहुत अच्छा शुरुआत करते हैं, हम उसमें 10,000 रुपये का फ़ायदा भी कमा लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड में हमारा टारगेट नहीं हिट होता है, 2 रुपये से मिस हो जाता है और धीरे धीरे वो पोजीशन रिवर्स हो जाती है, एंड में आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अगर आपका पोजीशन प्रॉफिटेबल हो गया है, अगर आपने 100 पे लिया आपका 102 ऑलरेडी हो गया और 96 का स्टॉप लॉस था, उसको आप मूव करके 98 पे ले आइए, 99 पे ले आइए, या अपने कॉस्ट पे ले आइए कि आप एटलीस्ट इस ट्रेड में आपका मतलब कि जो प्रॉफिट अच्छा खासा टारगेट वन सपोज आपका अचीव हुआ है तो वो मेंटेन रहे, या तो आप कॉस्ट पे जाए तो थोड़े प्रॉफिट पे जाए। तो ये ट्रेलिंग का भी इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट, इसको भी ध्यान दिया कीजिए। अपने प्रॉफिटेबल पोजीशन को लॉस में कभी मत जाने दिया कीजिए। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेज करने के लिए, मनी मैनेज करने के लिए, कि अपने लॉट साइज़ को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपये और आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करके 7 लाख का लेवरेज लेके रिस्क लेंगे तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और वो हिट होगा और वो लॉस में जाएंगे। अपना लॉट साइज़ इस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि आपका रिस्क कितना है, आपका रिवार्ड कितना है, और आप लॉट साइज़ कम लीजिए वो ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन बड़ा साइज़ लेने के लिए जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए आप 10,000 कोई शेयर ले लिए लेवरेज पे, 1 रुपये नीचे गया, वो 10,000 का लॉस हो गया, आपका दिल धक धक करने लगा, आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, एंड में हुआ क्या? इसमें फ़ायदा 10,000 का होगा, आपने स्क्वायर ऑफ करोगे, आप सोचोगे हम वेट करते हैं और होगा, लेकिन वो सडनली गिरेगा और 10,000 का लॉस होगा और आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे दोस्तों एक्सपोज हुआ बात कि आपकी नहीं एबिलिटी है रिस्क लेने की, लेकिन आपने ली है, लेकिन आप यही को आप 200 क्वांटिटी रखते तो आप इसको काफ़ी देर तक हैंडल कर सकते थे। आप काम और कंपोज्ड रहेंगे मार्केट में तो हमेशा जो लॉट साइज है जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो अपने रिस्क के हिसाब से लीजिए, और एक ऐसा लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और जिसमें आपको काफ़ी घबराहट नहीं हो रही हो और उस आप कंफर्टेबल हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट मतलब तो दोस्तों ये सब कुछ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की टिप्स थी जो आपको जानना चाहिए और इसको आपको फॉलो करना चाहिए। आप इसको नहीं जानेंगे और नहीं फॉलो करेंगे, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ हमेशा लॉस करोगे, क्योंकि आपको आपके रिस्क ही नहीं पता है। आप बैकएंड में एक दिन वो बड़ा पैसा लूज़ कर दोगे जिसके बाद से आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये तो था रिस्क पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है और क्यों हमेशा हमें ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।